425 ब्लैक एंड वाइट. दिस इज रोज वाइन. क्या प्राइस है इसके? तो बियर की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 40. 40 रुपए से बियर की रेंज स्टार्ट होती है. सबसे महंगी है. यस सर. इसका क्या प्राइस है? 20,500. एक खोल के दिखा सकते हो? मतलब 100 ओनली. जब भी हम गोवा आते हैं तो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि लिकर के क्या प्राइसेस हैं. तो आज ऐसे ही मैं एक लिकर की शॉप पे आया हूँ. तो अभी हम चलते हैं शॉप के अंदर और बताते हैं आपको कि यहाँ पे बियर के, दारू के, वाइन और जो यहाँ की लोकल फेनी है उसके प्राइसेस क्या क्या हैं, कितनी कितनी क्वान्टिटी में मिलती है. क्योंकि यहाँ बोतलें आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोतलें भी यहाँ पर मिलती है. तो उन सब का प्राइस इस व्लॉग में मैं बताऊँगा. एक स्पेसिफिक व्लॉग होगा जो सिर्फ और सिर्फ वाइन और बियर के प्राइसेस का होगा. तो नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जय यादव व्लॉग्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. तो अभी चलते हैं शॉप के अंदर और यहाँ पे कपिल भाई थैंक यू, आपने हमें मौका दिया. तो ये है कपिल भाई. अब इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले विस्की के कितने प्राइसेस हैं. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मैकडोल है, 2 लीटर है. ये सर 2 लीटर है अपना, उसका 610 610 रुपये इसका प्राइस है. और बाकी आगे भी बहुत सारे लगे हुए हैं. 12 से का ये सर 650 और बाकी यहाँ पे टैगी है सर 725. ब्लैक डॉग 3000. हाँ. रॉयल स्टेट 715. 715 सिग्नेचर 1250. ये सारे 2 लीटर के प्राइस हैं. और अगर बात करें 750 ml की तो यहीं से शुरू करते हैं. ये 515 है, ओल्ड डॉग है सर. ओके. विस्की में है ना? विस्की है सर. ये 550 है ग्रांड रिजर्व. और ये बाकी आप देख पा रहे होंगे पूरा वाइन. अपने विस्की में जो इधर ब्लेंडर स्प्राइट वगैरह और जो क्योंकि मोस्टली अपने साइड के वही पीते हैं. तो जैसे ये वेट 69 है, इसका प्राइस कितना है? ये है 975. 975 रुपये की 750 ml. और 100 पाइपर के 1260 रुपये 100 पाइपर के. और बाकी टीचर्स वगैरह स्कॉच में 1275. तो टीचर्स में स्कॉच 1275 रुपये. 12 ईयर 12 ईयर्स के कितने टीचर्स? 12 ईयर्स नहीं आता है. एक हाईलाइट आता है, एक उसका दूसरा आता है, वो है 1800. अच्छा. और बाकी वाइन की बात करें ये पूरा वाइन यार्ड है इनका. तो रेड वाइन के क्या क्या? दिस इज रोज वाइन. क्या प्राइस है इसके? सर इसका प्राइस है 4000. और बाकी वाइन में और दिस रेड वाइन 400. 400 यस सर. दिस रेड वाइन 310. 310 यस सर. दिस रेड वाइन 1100. 1100 यस सर. ब्लैक कवर. और शैंपेन सुला इज द फेमस 780. शैंपेन 780 यस. इसकी प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1175. यस सर. ये अपना वन थ्रिल 510 का है. 510 जैम पास है. चैम्पियन में होता है 1100 रुपये का है. ये अमोरा है, ये 310 रुपये का है. बकाटी रम के क्या प्राइस है? ये 250 रुपये का है. ये 625 का है वाइट वाला. 625. और जो गोवा का फेमस है ये काबो रम. फेनी? हाँ नहीं, काबो रम होता है. काबो रम कोकोनट रम. हाँ. ये 600 रुपये. और बाकी ये फेनी है.
फेनी के क्या प्राइस है? 100 रुपीज़ ओनली स्टार्टिंग में। तो जो फेनी है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और ये गोवा की लोकल दारू है, बहुत फेमस है यहाँ पे, तो अपने देसी ठंडा समझ लो उसी हिसाब से। हाँ बाकी बियर है, और बाकी अभी अगर हम बात करें बियर की, तो बियर की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 40 रुपये से बियर की रेंज स्टार्ट होती है। तो एक बार खोल के देख सकते हैं। तो ट्यूबोग पाइंट कितने का? ये 60। बडवाइजर? ये 60। ट्यूबोग कैन कार्लसबर्ग इनका ट्यूबोग? ये है 60 का है। 60 ये 60 है, ये अपना 80 का है, ये 60 है, ये 100 है, ये 185 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 55 है। और बियर की बड़ी बोतल? ये 90 है, 50 भी है, 100 भी है। 100 स्ट्रॉन्ग का? नहीं ये 80 का है। अच्छा ये 100 है, एलिफेंट कार्लसबर्ग, कार्लसबर्ग 100। बडवाइजर है, बडवाइजर 90 का। तो इधर ब्रीजर है, तो ब्रीजर के क्या प्राइस है भाई? 85। किंगफिशर स्ट्रॉन्ग 50, किंगफिशर प्रीमियम 45। सबसे महंगी है? यस सर। इसका क्या प्राइस है? 20,500। 20,500 एवं खोल के दिखा सकते हो मतलब? यस सर। तो गाइज ये है ब्लू लेबल, जो यहाँ की सबसे महंगी दारू है, 20,500। क्या है ये, कौन सी है? कोकम फेनी। कोकम फेनी इसका कितना है? 425। कितना एम एल है इसमें? 180 ml। 180 ml या यानी कि 3 पैक। यस सर। 305 ब्लैक डॉग रिजर्व। ब्लैक एंड वाइट इसका कितना? 300। 300? यस सर। 180 ml ना? यस सर। सेम वैट 69। 230। यस सर। एक अप्रैल से ना, तो अभी जैसा भाई ने बताया कि 1 अप्रैल से यहाँ पे दारू के रेट बढ़ने वाले हैं, ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी किया है ना। yes. तो भैया कितनी आशा है, कितने बढ़ जाएंगे? ब्लेंडर अभी 525 है, ऑलमोस्ट 900 तक जाएगा। तो उसका टूरिज्म में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा मेरे भाई, दिल्ली में मोस्टली जो भी लोग दारू सोचती है यहाँ पे महंगे, लोग लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सस्ता रहता है। अच्छा यहाँ से दारू लेके भी जा सकते हैं ना? यस। उसका क्या प्रोसेस होता है? आप बाई रोड जा रहे हो या बाई फ्लाइट? सही आ रहा है, बाई रोड जा रहे हो बाई फ्लाइट जा रहे हो? दोनों का ही बता दो। बाई रोड जाओगे आप तो 2 बॉटल आप कैरी कर सकते हो पर पर्सन। और बाई फ्लाइट उसके लिए हम आपको परमिट देंगे, परमिट बना के देंगे। बाई एयर जाओगे तो आप 5 लीटर कैरी कर सकते हो। 5 लीटर? यस डोमेस्टिक। इंटरनेशनल जाओगे तो 2 लीटर अलाउड है, और उसके लिए परमिट बना के दोगे? उसके लिए बिल चाहिए। बाई ट्रेन अगर कोई जा रहा है तो परमिट देंगे? परमिट कितना अलाउड है बाई ट्रेन? बाई ट्रेन 2 बॉटल। 2 बॉटल पर पर्सन। तो ये भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आओ लेके जाओ। गाइज जब गोवा में अगर वाइन की बात होती है, दारू की बात होती है, तो गोवा के काजू की बात ज़रूर होती है। तो काजू की शॉप भी है वहाँ, भी हम भाई से पूछते हैं कि काजू के क्या प्राइसेस हैं, कैसा कैसा काजू यहाँ पे मिलता है, और बाकी एरिया से काफ़ी सस्ता काजू यहाँ पे मिलता है, तो वो भी एक बार देखते हैं अपन। तो अभी हम काजू के बारे में जानते हैं भाई से। तो भाई कौन कौन से काजू यहाँ पे मिलते हैं और क्या क्या प्राइस? जो फेमस है वो छिलके वाला है। छिलके वाला जो स्पेशलिटी है वो ये है, नॉर्मल काजू हर जगह मिलते हैं। इसका क्या? इसका स्टार्टिंग है 550 रुपीज़ 1 किलो। 1 kg से? और ये आधा केजी का है? ये आधा किलो का है। अच्छा, और बाकी ये जो काजू है ना, आप 600 से स्टार्ट है केजी? यस 600, 750, 850, ये डिपेंड ऑन साइज। अरे बाकी बहुत सारी चॉकलेट्स भी हमें दिख रही हैं। यस। तो इनका क्या है? वो ऑन MRP रहता है, 120 का है, 125 का है, 180। ये यहीं पे बनती है गोवा में? हाँ होममेड है। होममेड। तो भैया एक तो ये काजू दे दीजिए आप हमें। तो गाइस ये था वो वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को बताया दारू के, बियर के, वाइन के प्राइसेस, काजू के प्राइसेस। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई ने हमें मौका दिया आप लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचाने का,
तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया हो लाइक करो और कमेंट करके बता देना।